आज मध्य प्रदेश के मुंगावली और कोलारस में होने वाले विधानसभा उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जी जान से मेहनत की, रोड शो और रैलियां भी निकाली। ये सब इसीलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये जीत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों दलों ने रैली और रोड शो कर वोटरों से जिताने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैंने मकड़ी की तरह जाल फैलाया है, इसमें बीजेपी फंस कर मर जाएगी। बीजेपी यहां कांग्रेस को चोट पहुंचाने मैदान में उतरी है, लेकिन वह पूरी तरह से सीएम शिवराज के भरोसे है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह 5 साल का विकास 5 महीने में पूरा कर देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंगावली और कोलारस में 24 फरवरी को उपचुनाव होने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव के साथ कोलारस में रोड शो किया। सिंधिया ने 40 से ज्यादा सभाएं की और करीब 10 रोड शो कर माहौल अपने पक्ष में कर लिया है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी बराबरी का चुनाव लड़ रही है। वहीं 15 से ज्यादा मंत्री द्वारा इन दोनों सीटों पर जाति के आधार पर प्रचार किया गया है। कांग्रेस सांसद ने जीतने पर बीजेपी का बिल्ला लगाने वाले कर्मचारियों पर आयोग बनाकर कार्यवाही करने की बात भी कही है।